माँ के पास जाओ, ये ले लो, माँ के पास जाओ। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते विजय, आओ। आज कैसे आना हुआ? दीदी जी, हमें आपसे कुछ खून की जांच के बारे में पूछना था। अच्छा ठीक है, खून की जांच के बारे में जानना चाहते हो कि जांच कैसे की जाती है? हाँ दीदी। ठीक है, लेकिन एक बात ये बताओ, तुम्हें रुधिर के बारे में यानी कि खून के बारे में क्या क्या पता है? हाँ दीदी, हमारी कक्षा में रुधिर वर्ग पर पाठ पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है, हाँ। अच्छी बात है। और उसमें बताया गया है कि ये चार तरह के होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे कि ए वर्ग, बी वर्ग, हाँ। ए बी वर्ग और ओ वर्ग। बिल्कुल सही, तुम्हारी कक्षा में बताया गया है, बिल्कुल सही बताया तुमने। रुधिर वर्ग चार तरह के होते हैं, है ना? रुधिर एक होता है रुधिर वर्ग ए, दूसरा होता है रुधिर वर्ग बी, तीसरा होता है रुधिर वर्ग ए बी और चौथा रुधिर वर्ग ओ, है ना? यानी कि तुम रुधिर वर्ग के बारे में सब पता है। हाँ, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दीदी, हम लोग खून की जांच क्यों कराते हैं? अच्छा, तुम जानना चाहते हो खून की जांच करते क्यों हैं? हाँ दीदी, बिल्कुल। वो तुम्हारी जिज्ञासा बहुत सही है बेटा, है ना? हाँ, क्या होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को, है ना, दूसरे रुधिर वर्ग का खून अगर हम दे देते हैं, हाँ, है ना, तो उस व्यक्ति का खून स्कंदित हो जाता है। दीदी, ये स्कंदित क्या होता? स्कंदित का मतलब वो दूध जो रुधिर है यानी कि खून है वो, हाँ, फट जाता है, है ना? अच्छा, फट जाने में क्या होता है, तो रुधिर की कोशिकाएं होती हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, है ना, और द्रव अलग हो जाता है, है ना, और इससे उसका थक्का जम जाता है, खून का थक्का जम जाता है। फिर वो खून जो क्या कहता है, वो उसका प्रवाह को रोक देता है, खून का प्रवाह रुक जाता है, है ना? इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस व्यक्ति को हमें रुधिर चढ़ाना है यानी कि खून चढ़ाना है, उसकी हम पहले रुधिर वर्ग की जांच करते हैं, है ना? और जो उसका रुधिर का वर्ग होता है उसी वर्ग का रुधिर उसको चढ़ाया जाता है, है ना, जिससे खून का प्रवाह चलता रहे। ठीक है, लेकिन दीदी, हम इसकी जांच कैसे करेंगे? हाँ, इसकी जांच करने के लिए मेरे पास सारी तैयारी है, हम तुमको आज बताएंगे। राकेश जी, जरा सा इस बच्चे को खून की जांच की किट ले आइए। इस बच्चे को आज बता दीजिए कैसे खून की जांच करते हैं। अच्छा जी, देखो ये क्या है, ये स्लाइड है। हाँ जी, इसको स्लाइड कहते हैं, है ना? हाँ। ये देखो, ये ए रोधी सीरम है। हाँ जी। क्या है ये? ए रोधी सीरम। ए रोधी सीरम है और ये बी रोधी सीरम है। हाँ, ठीक है। अब इसकी एक एक बूंद हम इस पे रखेंगे। इधर से ये क्या है? ए रोधी सीरम। और ये बी रोधी, बी रोधी सीरम। अभी हमारे पास चार खून के नमूने हैं, चार खून के नमूने दे दीजिए। देखो हमारे पास चार नमूने हैं खून के, है ना? हाँ, और हमको ये नहीं पता है ये चारों नमूने में से कौन ए वर्ग का है, कौन सा बी वर्ग का है और कौन सा ए बी का है और कौन सा ओ का है। ठीक है, अब इसकी हम जांच करके पता करेंगे। ठीक है, तो राकेश जी इसकी जांच बताइए, एक पहले एक की जांच करिए। ठीक है। अब ये एक खून के नमूने को इस पे डालेंगे और इस पे डालेंगे, ध्यान से देखना। इसको हटा दीजिए, इसको जरूरत नहीं है। थोड़ा और फैला लीजिए इसको। इसको थोड़ा फैला लीजिए। अब देखो तुम्हें दोनों में अंतर दिख रहा है कुछ? हाँ दीदी, इसमें जो है खून फट गया है। हाँ दीदी, यानी कि ए रोधी सीरम में ये खून फट गया है। हाँ दीदी। अब ए रोधी सीरम में ये खून फट गया है, इसका मतलब ये रुधिर क्या है? ए वर्ग का है। हाँ दीदी। किसका हुआ? ए वर्ग का। और बी में देखो, बी में कोई फटा नहीं है। हाँ दीदी। बी में कोई स्कंदन नहीं हुआ है। हाँ दीदी। तो ये रुधिर जो है बी वर्ग का नहीं है। हाँ दीदी। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ दीदी। इसको हटा दीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए रोधी सीरम और रक्त यानी कि खून अगर थक्का जम जाता है तो हम कहते हैं ये रुधिर जो है ए वर्ग का है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ दीदी। अब दूसरा वाला इसको जांच कर दीजिए, फिर से वैसे करेंगे, दो स्लाइड लेंगे, है ना, और उस पर हम रुधिर सीरम रखेंगे और दूसरा
खून रखेंगे, दूसरे वर्ग का खून रखेंगे, ठीक है? ठीक। ये कौन सा सीरम था? ए रोधी। हाँ, ये बी रोधी। ठीक, अब इसको फिर हम फैलाएंगे, फिर देखेंगे दोनों में क्या हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा और फैला दीजिए इसको, इस वाले। अब देखो दोनों में तुम्हें अंतर दिख रहा है? हाँ दीदी। इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया? हाँ दीदी। है ना, इसमें कोई स्कंदन नहीं हुआ? हाँ। लेकिन इसमें देखो क्या है, खून जो है स्कंदित हो गया है। हाँ, फट गया है ना? तो इसका ये किस सिर में फटा है? बी रोधी सिर में। यानी कि ये जो रुधिर है ये बी रोधी सिर में फट गया। हाँ, इसका मतलब ये बी ग्रुप का है, यानी कि बी वर्ग का है। ना, बात समझ में आ गई? हाँ दीदी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बीरोधी सीरम और रक्त दोनों को मिला देंगे। हाँ। और अगर थक्का जम जाता है। हाँ। तो वो खून या रुधिर बी वर्ग का है। हाँ, रुधिर वर्ग बी है। हाँ, ठीक है। हाँ। बात समझ में आ गई? हाँ दीदी। अब हम लोग तीसरे वर्ग का जांच करेंगे। फिर से हम वही करेंगे, एक स्लाइड में हम एरोधी सीरम डालेंगे और दूसरी स्लाइड में बी रोधी सीरम डालेंगे। ठीक, और इसके बाद हम एक और खून का नमूना लेंगे, उसकी एक एक बूंद हम दोनों पे रखेंगे। इसको भी फैलाएंगे। अब देखो इसमें तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, स्कंदन दोनों में नहीं हो रहा है। हाँ दीदी। दोनों में स्कंदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। दोनों में से किसी भी स्कंदन नहीं हो रहा है? हाँ दीदी। इसको फिर से फैला के देखते हैं, है ना? तो हाँ। जब दोनों में स्कंदन नहीं होता है तो इसको हम, इस रुधिर वर्ग को हम क्या कहते हैं? ए बी वर्ग। ए बी नहीं कहते, गलत। जब दोनों में स्कंदन होता है तब ए बी होता है, जब दोनों में स्कंदन नहीं होता है तो उस रुधिर वर्ग को हम ओ कहते हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे इसको हम? ओ। ये रुधिर हमारा किस वर्ग का है? ओ वर्ग का है। ठीक है। हाँ जी। यानी कि हम कह सकते हैं ए रुधिर सीरम और रक्त, है ना, थक्का नहीं जमता। हाँ, है ना। बीरोधी सीरम और रक्त, थक्का नहीं जमता। हाँ, दोनों में कोई थक्का नहीं जमता, इसका मतलब ये रुधिर वर्ग ओ है। ओ। कौन सा रुधिर वर्ग है? ओ। ओ। ठीक है, अब हम चौथे खून की जांच करेंगे। इसमें भी हम वही दोनों सीरम डालेंगे। इसको फिर से फैलाएंगे, इसको भी वैसे ही फैलाएंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो तुम्हें इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, दोनों को ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। अरे दीदी, ये तो दोनों में थक्का जम गया। हाँ, दोनों में खून फट गया है
और दोनों में थक्का जम गया, यानी ये ए बी वर्का, यानी कि ये ए बी वर्का हुआ, ठीक है। जब दोनों में थक्का जम जाता है, ए रोधी सीरम में भी थक्का जमता है और बी रोधी सीरम में भी थक्का जमता है, तो उस रुधिर वर्ग को हम ए बी रुधिर वर्ग कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? इसलिए इसको कौन सा वर्ग कहते हैं? इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। हाँ दीदी, ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है, है ना? हाँ दीदी। सर्वग्राही का मतलब क्या हुआ? कि वो सबसे खून ले सकते हैं। हाँ, सर्वग्राही वर्ग का मतलब हुआ कि ए बी रुधिर वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग ए बी है, वो किसी से भी खून ले सकता है, यानी कि ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, ए बी वाले से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है। अरे वाह दीदी। हाँ, और लेकिन ओ ग्रुप के, ओ वर्ग के बारे में एक बात तुमको पता है? हाँ दीदी, वो सर्वदाता होता है। हाँ, ओ रुधिर वर्ग के लोग जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं, यानी कि वो किसी को भी अपना खून दे सकते हैं, है ना। और किसी के ये शरीर में उनका खून चढ़ाने पे कोई स्कंदन नहीं होता है। हाँ, यानी कि ओ रुधिर वर्ग को हम ए वाले को भी दे सकते हैं, बी वाले को भी दे सकते हैं, ए बी वाले को भी दे सकते हैं और ओ वाले को भी दे सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है दीदी। तो तुम्हें चारों रुधिर वर्ग का निर्धारण समझ में आ गया? हाँ दीदी। तो तुमसे अब कुछ प्रश्न पूछे? हाँ दीदी, पूछे। हाँ। अच्छा बताओ, अगर हमें रुधिर वर्ग ए की जांच करनी हो तो हम क्या लेंगे? ए रोधी सीरम लेंगे। क्या लेंगे? ए रोधी सीरम लेंगे। हाँ। ठीक है। और रुधिर वर्ग ए बी की जांच करनी हो तो हम ए रोधी, बी रोधी और ओ रोधी सीरम लेंगे। ओ रोधी सीरम बेटा होता ही नहीं है, दो ही सीरम होते हैं, एक होता है ए रोधी और एक होता है बी रोधी। हाँ। इसका मतलब हम ए रोधी सीरम लेंगे और बी रोधी सीरम लेंगे। ए बी वर्ग की जांच करने के लिए हम ए रोधी सीरम और बी रोधी सीरम लेंगे, ठीक है। हाँ दीदी। सर्वग्राही वर्ग किसे कहते हैं? ए बी। हाँ, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, बिल्कुल सही बताया तुमने। और सर्वदाता किसे कहते हैं? ओ को कहते हैं, बिल्कुल सही बताया तुमने, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें इसके बाद अगर तुम्हें कोई समस्या हो, तुम्हें समझ में तो आ गया है, इसके बाद अगर तुम्हें कोई और जानकारी लेनी हो तो मुझसे फिर से पूछ लेना, ठीक है।